मेवात के शाह चोखा की ऐतिहासिक दरगाह के विकास के लिए मेवात के तीनों विधायकों ने मिलकर की 50 लाख रुपए की घोषणा। गांव शाह चोखा दरगाह पर कांग्रेस के तीनों विधायकों का फूल मालाओं से सम्मान समारोह किया गया। मेवात में सभी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करने के लिए मेवात के तीनों विधायक प्रयासरत हैं। आज मेवात की सभी समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनका समाधान कराने के लिए तीनों विधायक हमेशा तत्पर रहेंगे। और इतना ही नहीं, गांव शाह चोखा के दरगाह शरीफ के लिए तीनों विधायक मिलकर अपने निजी कोटे से 50 लाख रुपए की राशि देकर इस ऐतिहासिक धरोहर की कायाकल्प करने का काम करेंगे। उक्त बातें हरियाणा के पूर्व मंत्री व सीएलसी उपनेता नूह से विधायक चौधरी आफताब अहमद ने बतौर मुख्य अतिथि शाह चोखा के ऐतिहासिक दरगाह पर सम्मान समारोह कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान आफताब अहमद ने कहा कि हरियाणा की पूर्व कांग्रेस सरकार में जब वह परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने न केवल शाह चोखा दरगाह के लिए पैसा दिया था, बल्कि ऐसी कई धार्मिक धरोहर हैं जिनके लिए उन्होंने ग्रांट दी। उन्होंने कहा कि वह आज भी मेवात की ऐसी धार्मिक ऐतिहासिक धरोहरों के रख रखाव और उनके जीर्णोद्धार के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, चाहे वह चूही का तालाब हो, चाहे फिरोजपुर झिरका का झिर में शिव मंदिर या फिर शाह चौकाह की ऐतिहासिक दरगाह। वह हमेशा सभी धर्मों का ख्याल रखते हुए इनका पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार में देश प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। किसानों के लिए न बीज मिल रहा है न खाद। किसान पुलिस थानों में लाइन लगा कर खड़ा हुआ है, लेकिन खाद तक नसीब नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, आफताब अहमद ने कहा कि आज वह विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन फिर भी वह लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। वह आगे भी गांव शाह चोखा के विकास के लिए विधायक मोहम्मद इलियास व मामन खान इंजीनियर के साथ मिलकर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। वहीं पूर्व मंत्री व पुनाना से विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा कि शाह चोखा की दरगाह शरीफ पूरी मेवात के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है। उन्होंने आज यहां आकर खिराज अकीदत पेश की। मोहम्मद इलियास ने कहा कि जब वह पहली बार मंत्री बने थे तो उन्होंने दादा शाह चोखा के लिए मैन सड़क से लेकर पहाड़ की चोटी तक सड़क का निर्माण कराया था। इतना ही नहीं, उन्होंने दादा शाह चोखा की इस दरगाह पर पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि गांव शाह चोखा से उन्होंने 4 युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया है, जो आज पटवारी से लेकर नायब तहसीलदार तक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले गांव शाह चोखा की ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए की राशि देने का काम किया था और आगे भी विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मेवात शाह चोखा से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं गांव शाह चोखा की सिरदारी यहाँ आज दादा शाह चोखा के मज़ार पे हमें बुला के सम्मानित किया और पूरे 2 वर्ष हमें तीनों विधायकों को चुने हुए हो गए, तो उसके लिए इनके माध्यम से, आपके माध्यम से मेवात की जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक स्पष्ट जनादेश दिया और मेवात की तरक्की और विकास के सोच पे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तीनों सीट देके जो एक हमारे ऊपर मेहरबानी करी, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यही कहूँगा कि ये धरोहर है हमारी बुज़ुर्गों की और इसको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसीलिए इनका जो सम्मान किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, ये तो चलता रहेगा, पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। हमारा जो है पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी इसके विकास के लिए या गांव के लिए जो भी विकास राशि की ज़रूरत होगी, आज हम विधायक के तौर पे हैं, सरकार में नहीं है, जो भी होगी हम पूरी तरीके से सरकार से जो है इसको विकसित करने के लिए जो भी राशि होगी उसको पूरा करवाएंगे। थैंक यू।